ये है जी जीवन गार्लिक, जो बड़ा आजकल जो है इसके चर्चे हैं हर तरफ के बहुत ही महंगा है ये। 2,000 से 3,000 रुपये किलो होता है ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जीवन गार्लिक, जो कि आजकल जो इसके बड़े चर्चे हैं हर तरफ के। इसका जो बिज़नेस है अच्छा खासा है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, 2,000 रुपये किलो इससे ऊपर भी होता है। तो अभी जो लोगों ने काश्त किया है वो 2,000 रुपये किलो लेके उसने काश्त किया, तो अभी देखें इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा वो बाद की बात है। लेकिन ये लोगों ने इसमें से जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उठाया है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इसमें 1,00,000 लगाया तो उसने 5,00,000 इसमें से प्रॉफिट लिया है। तो ये आपको आज इसका विजिट कराएंगे। ये छोटे सा यहाँ पे थोड़े से एरिया में यहाँ पे काश्त किया गया है। ये एक हमारा इधर साथ ही हमारे इलाके में एक बंदा है, उसने काश्त किया हुआ है। तो ये सिर्फ अपने घर के करीब इसने इतना सा काश्त किया हुआ है, बाकी इसने जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसने 1 करोड़ का ये बीज दे के आया था। तो आप देख लेंगे कितना ज़्यादा होगा ये। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे काश्त किया हुआ है, तो ये आपको दिखाते हैं। और इसकी प्रॉपर जो पौधे वगैरह इसको काश्त करने का तरीकाकार है वो भी आपको बताएँगे कि इसको काश्त कैसे किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये पौधा माशाल्लाह कितना हेल्दी पौधा है, ये आप देख सकते हैं। ये एक और, तो ये इसको ना बेड के ऊपर काश्त किया जाता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि गार्लिक आम रूटीन में जो है कोई ज़मीन के अंदर ही जो काश्त कर देते हैं कि सीधी ज़मीन के ऊपर ही, लेकिन इसको ऐसे काश्त नहीं किया जाता। इसको जो है एक तो बेड के ऊपर काश्त किया जाता है, दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसके जो जड़ें हैं इस तक पानी ना पहुँचे। देखें आप देख सकते हैं कि जड़ें इसकी खुश्क हैं। देखें ये नीचे यहाँ पे पानी मौजूद है, ऊपर जड़ें खुश्क हैं। अगर ऊपर पानी पहुँच जाएगा तो ये जो ना मिट्टी ऊपर से बंद हो जाती है और ये इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इसका तरीका अगर यही होता है कि इसको जो है वो पानी एक मकदार में देना चाहिए कि जहाँ से जो ना इसके ऊपर इसकी वो पानी की हल्का हल्का वो सेकल जो इसको कहते हैं जबान में उर्दू पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब वो पहुँचे आम रिंग में, सैलाब पहुँचे इसके ऊपर, पानी ना पहुँचे। पानी यहाँ तक छोड़ते हैं, फिर ये ऐसा ऐसा ज़मीन गीली होती 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 यहाँ तक पानी पहुँच जाता है, लेकिन ये फुल पानी नहीं पहुँचता, ज़मीन फुल गीली नहीं होती, हल्की हल्की खुश्क रहती है। तो इस तरह से जो अच्छी ग्रोथ कर पाता है। देख सकते हैं ये कुछ पौधे हैं इसमें इन्होंने ग्रोथ अच्छी नहीं की हुई, तो ये इनकी देखभाल प्रॉपर से नहीं हुई। तो ये आप देख सकते हैं ये बेहतरीन पौधा है, ये भी 1 महीने का है, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये, एक चीज़ ये है कि आपने इसको बेड के ऊपर काश्त करना है, दूसरा ये है कि इसको ऊपर से ढांप देना है, या तो छापर या फिर इसके ऊपर चावल के जो बकाया जात होते हैं, चावल का जो नीचे वाला हिस्सा बच जाता है जब चावल काटा जाता है, तो वो इसके ऊपर डाल देते हैं, या तो वो भी बेस्ट है। अगर आपके पास ये इस तरह का छापर है तो ये भी बेस्ट है। तो ये 2 तरीके हैं जिन से जो इसको काश्त करने के वक्त इनका ख्याल रखना चाहिए कि एक तो आपने बेड के ऊपर जो है प्रॉपर लाइनिंग से इसको काश्त करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लाइनिंग से इसको काश्त किया गया है। इसके अलावा जो है ऊपर इसका शापर होना चाहिए, ठीक है, शापर या फिर वो जो चावल के बकाया जात होने चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है वो अच्छी ग्रोथ कर पाता है। तो यह देख सकते हैं सारा यहाँ पे काश्त किया गया, यहाँ पे शापर लगाया हुआ जिधर ये बैठ इधर पौधे ठीक हुए हैं सारे, तो ये बगैर छापर के हैं। तो ये इनमें से कुछ जो हेल्दी हैं, कुछ जो हैं यहाँ पे जो उगे ही नहीं हैं। तो यह देख सकते हैं कुछ ज़्यादा हो गए हैं पौधे, लेकिन जहाँ पर छापर लगाया हुआ है वहाँ पर सारे तकरीबन जो है वो उग गए हैं। इसकी जो बेहतरीन ग्रोथ के लिए छापर या फिर इसके ऊपर जो है चावल के बकाया जात डालना लाजमी होता है, इससे जो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं ये पौधे। तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस है पाकिस्तान में, आजकल हर बंदा ये इसकी तरफ ही आ रहा है। तो इसको जो है वो प्रॉपर जो है उसको टाइम देना पड़ता है, इसकी देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है। तो ये 2 से 3 महीने की फसल होती है, ज़्यादा इसमें वक्त नहीं, लेकिन आपको इस पर देखभाल इसकी करनी पड़ती है, प्रॉपर इसको पानी देना पड़ता है, प्रॉपर खाद और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो इसे अर्निंग की है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और मेहनत है, बाकी जो है फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो फिर बचत ही बचत है। तो गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो, ये बिज़नेस का आइडिया कैसा लगा? तो ये मेरी वीडियो देख के आपने नहीं करना, आपने अपने अपनी जिम्मेदारी पे जो करना है। मैं तो जैसे आपको बता रहा था कि ऐसे है, बाकी आपने किसी प्रॉपर इसके जो है
कोई एक्सपर्ट है उससे रब्ता करके फिर अगर आप कास्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तो इसका मौसम नहीं है, मतलब अगले साल अगर आप कास्ट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा है ये बिजनेस है। तो गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो? तो गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो? आपने लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।